जगन्नाथ जी। एक बार पुजारियों ने भीतर मंदिर में जाकर के देखा कि श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र जो हैं वो फटे हुए हैं और जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर मानो जैसे किसी ने कोई घाव कर दिया हो, इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। पुजारी जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले हे जगदीश, आपके आपके वस्त्र कैसे फट गए, आपके मुखमंडल पर ये आकृतियां, ये निशान कैसे मानो जैसे कोई कटीली वस्तु से काट दिया हो, ये ऐसा भाव क्यों दिखाई दे रहा है। जगन्नाथ भगवान बोले मैं क्या करूं, एक माली है, उसकी बेटी गीत गोविंद का पाठ करती है और कहां करती है, फूल के बगीचे में जाके करती है। अब फूल के बगीचे में जाकर के पुष्प तोड़ते हुए, फल तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती है, तो गीत गोविंद सुनने के लिए मैं उसके पीछे चला जाता हूं। अब फूल के बगीचे में लग रहे हैं कांटे, लेकिन वो गीत गोविंद इतने भाव से गाती है कि मुझे यह भी अनुभव नहीं होता कि कांटा मेरे वस्त्रों को फाड़ रहा है, मेरे मुखमंडल पर आकृतियां बना रहा है, मुझे घाव दे रहा है। मुझे तो उसका स्वर अति प्रिय है, इसलिए मैं सुनने के लिए उस बगीचे में चला जाता हूँ। पुजारियों ने कृपा करके उस माली की कन्या को फिर मंदिर में बुलाया और मंदिर में बुला करके उसको ये बात बताई। तब से उसको कहा कि आज के बाद तुम बगीचे में मत गाना इसको, क्यों, जगन्नाथ जी को कष्ट हो जाता है, तुमको जब भी गीत गोविंद गाना हो मंदिर में आके गाना, क्योंकि गीत गोविंद व्यक्ति कहीं भी गाए, जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए सही उस स्थान पर निश्चित प्रकट होते सुनने के लिए। ये गीत गोविंद की सामर्थ्य।